है, इसने एडी को कॉल करके ये बोला कि भाई मैं ना स्विट्सविल आ रहा हूँ, और भाई श्रेक ने सबको मैनिपुलेट करके रखा होगा, तू मेरा साथ दियो मैं उसकी फाड़ दूंगा, किसी से पूछ लेना, मैंने कभी दिग्विजय के बारे में कोई बात भी नहीं करी। इवन मैंने एडी को, एडी कॉल, तेरे को कॉल के बाद मैंने क्या बोला था कि अगर तेरे को दिग्विजय के साथ खेलना होगा दिग्विजय के साथ खेलियो, नहीं मुझे हाँ कोई इसने प्रॉब्लम बोला नहीं बोला था भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, ठीक है, वो बहुत कुछ बोल लेगा, रूडीज के आदेशों में था वो, मैं रूडीज के आदेशों के बाद भी चला हूँ, मेरे पे तुमने उतना ही प्यार दिया है, वो चला गया तो शो से ब्रो। और अगर इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जो मैंने भी ब्रॉडकास्ट भी सुन देख ली, मैं देखता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने स्टोरी भी देखी ब्रॉडकास्ट देखा, कि मेरी लड़ाई होती है तो मैं खत्म करता हूँ, भाई फिर खत्म क्यों नहीं करते हो, कॉल पे गाइस। फोन मैं एक नंबर चीज देते नहीं बताऊं, है, एक बात बताओ, साथ लोगों को आप लेके आने यहाँ की क्या पे जरूरत श्वेत थी। अपनी सुन, यहाँ पे श्वेत अपनी क्या हर लाइव में कह रहा है, जितने भी बंदों ने पूछा कि दिग्विजय से कैसा है, मैंने देखा, खुद देखा, श्वेत ने हर लाइव में कहा है कि भाई है, भाई है, भाई है, भाई है। अब तू बाहर ऐसी वीडियो बना रहा है, मैंने अभी जस्ट कहा कि बहनचोद, ना मेरे को कोई किसी भी टाइप की कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, ना श्वेत को चाहिए। श्वेत ने पहले कह दिया था भाई मैं लाइव आऊंगा, कल को मेरे मुझसे कुछ निकल गया इसलिए मैं आता हूँ, मैं अपने फैन से, फॉलोअर से बातें करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। अब तुम बार बार ऐसे इनिशिएट करोगे तो बंदा तो फटेगा, चलो हम अच्छे एज बंदे सिंपल एज हैं, हम दैट। अच्छे बंदे हैं, नहीं, अच्छे बंदे हो ना तुम, अच्छे बंदे हो तो भाई रील वो क्यों ही बना रहे हो, दिक्कत है, वो ही दिक्कत रील है। क्यों बना रहे अभी हो, मैंने जैसे कमेंट पढ़ा, उसने कहा कि तू अभी भाई कह रहा था, भाई मैंने माना, लेकिन अभी उसने देखा क्या रील डाली, मैं तभी आया, मैं अभी शिवेत को बोलता था शिवेत भाई नहीं आना या ये बात है, उसने रील डाली, मैं उसके एक चीज बाद अभी बोलता लक्ष्य हूं और दिग्विजय आके दिग्विजय लाइव भाई में उसके सुन, बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उस लौंडे के साथ कौन खड़ा है मेरे को ये बता, अरे मेरे को चाहिए उसकी कि आदत ब्रो, तुम्हें मैं चार सुन जने लेके आने का, ये मेरे इतना दादा, बड़ा तुम सुन कुत्ता है, सुन मैं इसके मुंह पे कह रहा हूँ, ये हमेशा अकेला लाइफ चला जाएगा, ये सोचता है मैं अकेली सारी चीजें करूं, मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि साले तू अकेला आता है, तेरी वो चीज बहुत अच्छी है, पर तू साले किसी को सपोर्ट में रखा कर, और ये तब भी मना करता है, मेरे को इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है, बट अभी जब इतनी चीजें पड़ गई तो इसको लगा ये चीज, और इसको मैं हमेशा कहता हूँ, इसने एडी, मुझे तेरी फंसे तेरे को फंसे आने तेरी के बाद जरूरत भाई बोला, पता क्यों थी लोग, एडी मुझे तेरी जरूरत पता क्यों थी, मेरे को सिर्फ एकलौती जरूरत तेरी ये थी कि तू कंफर्म करे तुझे कॉल आया कि नहीं आया, अरे हाँ, मेरे को पता है भाई, और अभी ठीक है। बात मेरे को पता और है, सबसे तूने इसलिए पूछना करा था, जिस दिन ये विला में आया, सबसे पूछ लेना, सबसे बात करी कि मेरी तरफ से खेलो। अबे 7 लोग तुम लोग एग्जाइल से पहले लेके आए हो, जिनको भाई मेरे को नहीं समझ आया, अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं लेके आए थे आप क्या कहते हैं मेरे लिए अगेंस्ट, तो जब मैं प्यार से कह रहा था लक्ष्य को कि भाई पीछे चला जा, तो सब लोग पीछे से मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे थे, उनको तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, राजा कह रहा है वो पहलवान, वो आपको जरूरत पड़ती है सपोर्ट की, आप मानो या ना मानो, और आपने अभी एक रील डाली है जिसमें आपने लिखा है कि ये रोडीज में भी लड़ने आता था, भाई जब मैंने तुझे रोडीज में धक्का मारा था तो तूने हाथ इसलिए उठाया था, तुझे पता है तेरे साथ कोई नहीं है और मैं मारूंगा तो क्या होगा, और यहाँ पे तूने हाथ उठाने की जो गलती करी वो तुझे पता है तेरे पीछे 5 लड़के थे इसलिए, और मुझे 10 लोग रोक रहे थे, ठीक अरे मैंने इनको है। क्रू वाली, अच्छा सुन इनको पूरी बात बता, बात चोरी थी मेरी लाइफ में, बहुत बंदे बोल रहे थे कि जब शिविर लड़ रहा था भाई आप कहाँ थे, मैं बताता हूँ गाइस, देखो एडी था लड़ाई में नो डाउट, पर एडी ने तब तक किसी पे हाथ नहीं उठाया क्योंकि सबको लड़ाई रोकनी थी, एडी ने जब मेरे सर पे खून देखा तब एडी ने बोला कि भाई मैं बताता हूँ इन्हें, पर मैंने से बोला खून अबे उन्होंने दिया ही नहीं, मैं नीचे गिरा हूं जब क्रू इतना आया, और अगर सब लोग एक नाम चिल्ला रहे हैं तो एक चीज तो दिमाग होगी तुम्हारे अंदर, एक नाम उसका चिल्लाया जाता है जो मार रहा होता है, उसे रोकने को बोलते हैं, ये तो पिटने कल्ला वाले को रोकने को नहीं बोलते, था एक गाइस, तुमने मिनट देखा ये सुन, कल्ला पिटने था, वाले को वो कभी नहीं बोलते कि चाहते, रुको, ऑनेस्टली अपना दिमाग लगाओ, पिटने वाले को कभी नहीं बोलते कि रुको, और जहां तक बैंडेड की बात है, अगर तुम लोगों ने कभी जीवन में लड़ाई लड़ी होगी ना तो सर खोलना किसे कहते हैं तुम्हें पता होगा, खरोचों को सर खोलना नहीं कहते, और पूछना दिग्विजय भैया को ये कोट बंद क्यों था लड़ाई के बाद, जो यहां से सब फट गया था क्या, और मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता सुनीलाल तो दूं, आएंगे अभी, कुछ भी नहीं दिखाया गाइस, काबू में नहीं थे, मैं बता रहा हूँ ना, वो चार थे, कल्ला था, जब मैंने इसके वो देखा, काबू, लिटरली काबू में नहीं थे, हमें क्रू पकड़ रहा था, इसको क्रू पकड़ रहा था, लेकिन हम जा नहीं रहे थे, हमें बाद में लाया गया कि नहीं भाई, क्योंकि बहुत चीजें मैस हो गई थी, और ये अकेला लड़ने, अरे यार सबको दिखा यार, सबको दिखा, अकेला लड़ने गया था, इसने अरे किसी यार का रौनक सपोर्ट नहीं सुन मांगा उसने, एक मिनट रुक 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 एक मिनट रुक, ये रौनक जो भाई बड़ा प्यार मोहब्बत से है भाई, ये हाथ जोड़ता हूँ, हाथ फिर से जोड़ रहा हूँ, हमारी लड़ाइयों को जाट राजपूत कम्युनिटी का मत बनाया करो, मेरे को नहीं चाहिए फुटेज की मैं किसी कम्युनिटी को लाऊं, ये रौनक ठीक जाट है। करके जो है भाई, हाँ
एडवांटेज के लिए इतना मत किया करो यार, मत किया करो कि भाई लोग देखे नोटिस करें। एक प्यारा सा शो है, खामखा पोले खोल दूंगा सारी, बता दूंगा कि तुम चैटों में भाई बनते हो। मेरे को लग रहा था चीजें, मुझे लिटरली लग रहा था अब चीजें काफी स्मूथ होगी, भाईचारा हो गया, सब ठीक से रह रहे हैं। पता नहीं भाई यार, इतना बढ़िया मिला था हमारा, कोई लड़का नहीं लड़ता था भाई, कोई लड़का नहीं लड़ता सच में, सच में एक लड़का जो लड़ता हो, मतलब लड़कों में ऐसा था कि हम लड़ते ही नहीं थे, हमें नहीं लड़ना था, हम लोग कहते थे लड़कियों की होगी लड़ाई, होगी हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना था, हम तो चिल मार रहे हैं। I've been saying since long TV, भाई और... यार देखो अब मैं बताता हूँ युवराज की बात, एक मिनट, युवराज ने भी बोला एक लाइव में इसके साथ कि फ्री में चढ़ा था मैं, तो तू फिर एक चीज बता युवराज, तूने अनसीन अनदेखा में ऐसा क्यों बोला एक जगह, सॉरी अनसीन नहीं, उसका हुआ हाँ, उसका एक इंटरव्यू जिसमें बोल रहा है हाँ मैं गलत था, खुद बोल रहा है, श्वेत ने मुझे प्यार से समझाया तो मैं मान गया, तब क्यों ऐसा बोला तू, मतलब मैं गलत था ना तब भी बोलता भाई, मैं सबके सामने आज बोलता हूँ खुला हाथ जोड़ के, एक बार जाके दिग्विजय की YouTube वीडियो देखना जिसमें वो खुद बोल के आ रहा है, उसे पता है मैं शो के अंदर हूँ, उसका दोस्त बोल रहा है कि श्वेत को पहलना, मतलब तुम्हारी लाइफ में मैं ही चलता हूँ ठीक है। दूसरा, मेरी रजत दलाल से कॉन्ट्रोवर्सी हुई, तुम वहां कमेंट करते थे, तो मतलब तुम्हारी लाइफ में मैं चल रहा हूँ। अबे भाई ग्रो अप दिग्विजय भाई, लाइफ में आगे बढ़ प्लीज यार, लाइफ में आगे बढ़, मैं नहीं हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैंने छोड़ दिया, मेरे बाप ने मेरे को बोल रखा है भाई, मैं अपने बाप से नहीं पिटना चाहता, मेरी बात मान ले, पर हाँ अगर ऐसे मतलब तुम्हें लगता है कंट्रोवर्सी तुम खत्म कर सकते हो, तो फिर एक और रील डली गैंगस्टर भाई, सॉरी मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं अकेला जाता हूँ, मैं अकेला मारता हूँ और मैं नहीं डरता किसी से, अकेला मैं कॉल भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे कॉल करके नहीं बोलूंगा एडी भाई मेरे को तेरा साथ चाहिए, मैं बाप को नहीं बुलाया, मेरे पापा मुझे समझाते हैं कि मत बोला कर, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है मैं कैसा हूँ ठीक है। एक मिनट आके एक मिनट, ये भाई कह रहा है कुछ, एक मिनट क्यों, अरे कल भाई एडिक्शन एनी टाइम मिलके करेंगे बात, एनी टाइम फिटनेस जब मर्जी भाई। अच्छा कौन सा कह रहा, दिल्ली जब मर्जी, जब मर्जी, मैं तो तू कल कह रहा, मैं तो आज, मैं राजेंद्र नगर वाले एनी टाइम, करोलबाग वाले एनी टाइम में हो, तो मैं तेरे को लोकेशन बता रहा हूँ भाई, मैं सुन मैं अभी तक जितनी भी, अब एक मिनट शिवित बोलने दे, मैं अभी तक जितनी भी लाइफ पे आऊँ सबसे प्यार मोहब्बत से बात करिए, सबसे अच्छे से बात करिए, क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं हुई, पर ये भाई की मैं ज्यादा कीड़ा काट रहा है, तो भाई मैं बता देता हूँ, शायद तू जानता नहीं है, मैं बता रहा हूँ तेरे को पर्सनली, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोलबाग, दिल्ली के किसी भी एनी टाइम, क्या तू दिल्ली एनी टाइम, क्या तू बाहर कहीं भी बोलेगा मैं तेरे को बाहर मिल लूंगा, और बता तू चल। अरे कोई फेक आईडी होगी, फोटो नहीं होगी, अरे मैं बता रहा हूँ ना, इसने मेरे को ये आईडी, ये वही रौनक नाम का बंदा है, अरे यार इसने मेरे को उल्टी सीधी चीजों में मेंशन नहीं करा था, मैंने इसे पर्सनली मैसेज करा कि मेरे को मत कर भाई फालतू की चीजों में मेंशन, मैं इस लड़ाई झगड़े की क्या बनती है, आईडी सुनना रुक, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, मैं सॉरी ये लाइव पे बोल रहा हूँ, पर दिस इज नॉट गोना साउंड गुड, बट इंसान की जान की कीमत ना बाहर के मार्केट में बहुत कम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ऑनेस्टली, तुम कितने बड़े गैंगस्टर हो, कितने कुछ हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर समय कभी ना कभी तुम अकेले घूमते हो, और लड़ाइयों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए ठीक है, लड़ाइयों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, मैं सच बता रहा, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी, मैं बहुत खराब बैकग्राउंड से आया हूँ यार, मैंने बहुत बुरी चीजें देखी अपनी लाइफ में, मैं आज भी मन्नू से बात कर रहा था, मन्नू भी आया कि मेरे को कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं आनी, मैंने बहुत खराब लड़ाइयां देखी है, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो 10-10, 5-5 हज़ार के लोगों को मार देते हैं ठीक है, सही में उनको कोई परवाह नहीं, जेल में बैठे रहते हैं दिन भर, नाम नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं रखा लड़ाइयों में, मत बोला सच में भाई, मैं इतने टाइम से लाइफ में ही बेस्ट है, ये मत बोला कर कि मैं अपने मैटर खत्म करके आया हूँ, सॉरी लड़ाई भाई, ये टास्क लाइफ नहीं है, लड़ाइयां खत्म करनी है, ऐसे आया करो लड़ो, अरे हर्ष आ गया यार, अब एक मिनट, चलो एडी तो मेरा भाई है, हर्ष तू आ, हर्ष कंफर्म करेगा उस कॉल को, और फिर दुनिया खुद समझ जाएगी भाई कौन किससे फुटेज लेना चाहता है, मेरी जान आजा, मैं भावेश को बुला लूं क्या, भावेश का नाम भी फ्री फंड में उठाया था इसने रोटीज में, भावेश अच्छा, भावेश भाई